हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार। आज हम खेल रहे हैं यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 और लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने धमाका कर दिया, मतलब 250 व्यूज़ के ऊपर और 44 लाइक्स। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेकर आया हूँ फिर से, क्योंकि आपने 44 लाइक्स लेकर आए तो 440 किलोमीटर वाली या उससे ज़्यादा की कोई ट्रिप मैंने आप लोगों के लिए ढूंढी है। सो लेट्स गो। आई डोंट नो ग्राफिक्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो कमेंट करके कि ग्राफिक्स चमक रहे हैं कि नहीं, पहले से बेटर हैं कि नहीं, डू लेट मी नो। तो हम एडिर्ने में हैं, टर्की में, तो चलिए देखते हैं। उप्स, यहाँ नहीं जाना, कि आज हम क्या ट्रेलर उठाएंगे और उसी के साथ साथ हम कहाँ जाएंगे, वो सारा आपको लोकेशन पे पता चलेगा। सो लेट्स गो। तो ये हम स्कैनिया का हमारा 730S, S730, जो भी आप ट्रक का नाम लेना चाहें हम वो लेके जा रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल ट्रक है, स्पीड आपको पता ही है, अच्छी है बिल्कुल, जैसे हम वॉल्वो का ट्रक चलाते हैं उसी के आसपास रखता हूँ मैं स्कैनिया के ट्रक को। लेकिन मैं उसे दिखने में वॉल्वो से बेटर, परफॉर्मेंस में वॉल्वो से नीचे, बट ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी नाइस ट्रक। अगर आप कुछ ज़्यादा मतलब भारी ले जाएँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का ले जाएँ कोई दिक्कत तो कुछ खास है नहीं। तो आ गए हम यहाँ पर ट्रेलर उठाने, देखते हैं कितने किलोमीटर की ट्रिप करेंगे आज हम। बस थोड़ी देर में मैं शाउट आउट्स भी देता हूँ, पहले हम ट्रेलर तो उठा ले भाई। तो आज हम लेके जा रहे हैं यूज्ड पैकेजिंग, लेकिन एक बार मैं आप लोगों को ट्रेलर चूज़ करवा दूँ कि कौन सा मस्त लग रहा है, ये तीन पहिए इकट्ठे या ये दो इकट्ठे एक दूर, या विल गो विद दिस वन। तो आज हम जाएंगे एडिर्ने टर्की से बुकारेस्ट रोमानिया। यहाँ पर बहुत कम लोकेशन है जो हमने अभी तक कवर करी है, अराउंड 478 किलोमीटर की जर्नी होगी। तो बस सिट बैक एंड रिलैक्स एंड लाइक करो जल्दी से। ये आता है अर्जेंट डिलीवरी में, यानी कि हमें भगाना है फुल स्पीड में। तो चलो जल्दी फुल स्पीड में ट्रेलर उठाते हैं और फुल स्पीड में ट्रिप करते हैं। मस्त लग रहा है वैसे, रंग अच्छा है। बाई चांस हमारे ट्रेलर का जो नीचे है पार्ट है उसका कलर भी रेड एंड वाइट, सिमिलर टू टर्की का फ्लैग एंड ऑल्सो सिमिलर टू द ट्रेलर। एक बार हॉर्न टेस्ट करेंगे। बोल रहे भाई चल रहा है, कर देते अटैच। कैसा लग रहा है बताओ आप लोग मुझे, ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चमक तो बहुत रहा है ट्रक। तो आज मैंने HDR ऑन करा है, पता नहीं HDR ऑन करा है। हाँ ओ पीछे देखो 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 पहिया देखो पहिया देखो, आर्टिकुलेटर जैसे होता है ना वैसे, पीछे वाला पहिया बिल्कुल घूम रहा है और सेंटर वाले नहीं घूम रहे शायद। ब्यूटीफुल, थोड़ा लैग कर सकता है बट ग्राफिक को थोड़ा ब्राइट करने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। कदम, आई लाइक दिस ट्रेलर। और ब्राइटनेस देखो ना कितनी ज़्यादा है जब तुम एक्सटीरियर कैमरा से खेलते हो। आई लाइक दिस वेरी मच। तो शाउट आउट्स पे बढ़ते हैं, थोड़े शाउट आउट्स हैं, हम उनको सबको शाउट आउट देंगे। पहला शाउट आउट देते हैं इंडियन गेमिंग YT को, आई एम द फिफ्थ व्यू बट द सेकेंड लाइक, बहुत बढ़िया। जल्दी से जल्दी देखते हैं कि कौन इस वीडियो पे लाइक करता है पहले और कौन पहले कमेंट करता है। भाई अगर लाइक करते हो तो कमेंट भी कर दिया करो, कमेंट करते हो तो लाइक भी कर दिया करो, भूलना नहीं भाई, दोनों की दोनों ना साइड बाय साइड बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हुज नेक्स्ट, शाउट आउट टू दीपक लाखरा, आई एम फर्स्ट व्यू बट कमेंट लेट, ओ माय गॉड हाउ डेयर यू। तो यहाँ पर रेस्टिंग जोन है, ओ वाओ कूल लग रहा है। अच्छा इस गाड़ी ने अपेरेंटली राइट लेफ्ट लेना था हम, लेकिन बिल्कुल फुल स्पीड में चले गए। शाउट आउट टू गुजरात सेवा केंद्र, हाय ब्रो, यार ये अपने ट्रक का पर्सनल नंबर प्लेट कैसे लगाते हैं ये बताओ। मैंने शायद इसे वर्ल्ड ऑफ ट्रक्स से सेट करा था, आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि क्या करा, लेकिन worldoftrucks.com पर जाके अपनी प्रोफाइल लिंक कर लो अपनी गेम से और वहाँ पर आपको नंबर प्लेट, नेम प्लेट, जो भी है आप कहते हो वो जोड़ने का एक मौका मिल जाता है। सो ट्राई दैट, इफ़ दैट वर्क्स एंड वेल एंड गुड, नहीं काम करा तो मैं सोच के बताऊँगा कैसे। वैसे ये अच्छा, अगर आप इस वाले की बात कर रहे हो, ये जो ऊपर है येलो वाला, उप्स, ये SISL से होता है। तो SISL का एक मॉड आता है जो, अरे हाँ रेड है ये, देखो येलो है, ओ लाइट्स को देखो एक मिनट, वो
ये कलर चेंज करती है पूरी लाइट, रेड लाइट लाइट के हिसाब से। ओ माय गॉड दिस इज सो कूल, LEDs लगा रखी हैं। हाँ तो मैं कह रहा था अगर आपको नंबर प्लेट नाम प्लेट अपनी चाहिए तो ये जो ऊपर लगी हुई है इसके लिए तो आप सिंपली SISL का मॉड स्टीम वर्कशॉप से डाउनलोड कर लो SISL मेगा पैक और एक्सेसरीज पैक। और अगर आपको वो जो ट्रक के नीचे और ट्रक के पीछे भी आई थिंक पीछे नहीं है ट्रेलर, हाँ ट्रक के पीछे होना चाहिए ये आगे, ये जो ये दिख रहा है आई वरुण, ये आपको मिलता है जब आप वर्ल्ड ऑफ ट्रक से कनेक्ट कर लोगे अपनी प्रोफाइल। सो इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट एंड उससे आपका कनेक्शन लग जाएगा, उसका कनेक्शन नहीं लग जाएगा मतलब आपको मिल जाएगा वो ऑप्शन। सो दैट्स दैट। बाकी की कमेंट्स भी देखें क्या कह रहे हैं लोग। ये क्या है, टिकट किसान कैपिक्यूले इस्तानबुल इस्तानबुल बुल बुलबुल, हमने लेफ्ट लेना है तो थोड़ा लेन स्विच कर लें। वैसे यहाँ से लेफ्ट नहीं लेना था, ओके नो प्रॉब्लम। पेट्रोल भी भराना है, पेट्रोल डीजल है डीजल। अरे भाई रेड लाइट देखा, जैसे हमने ब्रेक मारी आगे चले गया वो। भाई साहब कैसे कंफ्यूजिंग सा रोड है, कहीं से भी आ रहे हैं कहीं से भी जा रहे हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया ये। ओ यहाँ पर रेड लाइट लगी हुई है, ऐसी इस साइड भी होगी। हाँ देखो सर, ओए होए बहुत ब्राइट लग रहा है गेम, मुझे पता नहीं आप लोगों को कैसा दिख रहा है, बता दो ब्राइटनेस कैसी है। काफ़ी ट्रिपी लाइट्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट शाउट आउट गोज टू साहिल रत्तू एंड देन वी हैव बीरेंद्र नायक। भाई ETS2 में ज़्यादा टाइम दे सकते हो क्या? हाँ तो मैंने तो डिसाइड तो कर ही दिया ना कौन सी वीडियो कब चलेगी, हफ्ते में 3 बार ETS, 2 बार ATS, 1 बार जुरासिक वर्ल्ड और 1 बार फार्मिंग सिम्युलेटर। अब मेरे चैनल पर जो है वो मैक्सिमम, मतलब अगर किसी वीडियो पर ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं तो वो होता है अमेरिकन ट्रक, यूरो ट्रक, अमेरिकन ट्रक, मतलब मोस्टली ट्रक, क्योंकि हमारा चैनल ट्रक के हिसाब से शुरू हुआ था। बट धीरे धीरे फिर हम फार्मिंग सिम्युलेटर पे गए, जुरासिक वर्ल्ड पे गए, तो वो उसकी ऑडियंस अभी मेरे चैनल पर कम है तो इसीलिए वो एक एक बार है। बट आगे क्या होगा, जब जिस टाइम पे मैं स्ट्रीमिंग करा करूँगा ना तब देखो आपको डबल वीडियोस मिलने के चांस ज़्यादा हैं, या फिर पूरे दिन जैसे 2 गेम की स्ट्रीम्स या समथिंग लाइक दैट, वो आने वाले टाइम पे ही देखेंगे। अभी मैं पहले कुछ वादा नहीं कर देता हूँ वरना आप लोग कहोगे अरे भाई साहब तुमने तो बोला था कि एक दिन में 2 वीडियोस दिखाओगे, ये क्या वो क्या, तो इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा उससे रिलेटेड तो नहीं बोलूँगा अभी, कुछ पक्का नहीं करता। लेकिन हाँ लाइव स्ट्रीमिंग तो आगे आएगी, इसका तो भाई गारंटी होना चाहिए, कंप्यूटर के हिसाब से वैसे चल तो जाएगा सब कुछ। बट यस मेरे हिसाब से आई एम प्रिटी पॉजिटिव कि हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, आपको लाइव शाउट आउट देंगे, आप लोग लाइव सुपर चैट भी दे सकते हैं मतलब इफ़ यू विश। उससे क्या हमें और मौका मिल जाता है कि आप लोग जैसे बोलेंगे कि भाई इसको ना ऐसे चलाओ या इसको ऐसे लेके जाओ वैसे लेके जाओ, तो हम आपके हिसाब से भी उसमें गेम्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब जैसे मुझे फार्मिंग सिम्युलेटर का सब कुछ नहीं पता राइट, तो मैं तो अकेले कंफ्यूज हो जाता हूँ। ओ भाई साहब यहाँ क्या हो गया, गाड़ी चल गई रे, गाड़ी चल गई। काफ़ी ज़्यादा जल गई थी गाड़ी, तो लाइव स्ट्रीमिंग पे बहुत चीज़ें बेटर हो जाएंगी। बट आई एम जस्ट वेटिंग, इंटरनेट कनेक्शन भी स्टेबल चाहिए पता है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। मैं भी इंटरनेट बदलने की कगार पर हूँ बट अनफॉर्चुनेटली हमारे थोड़े कनेक्शन इतने ना अच्छे नहीं आ रहे यहाँ पे। डाउनलोड स्पीड तो ठीक ठीक मिल जाएगी, अपलोड स्पीड चाहिए वो तो मिली नहीं थी ज़्यादा अच्छी। वो मारना नहीं भाई, रेनॉल्ड को मारना नहीं, नाराज़ हो जाएगा। अरे आगे देख ले, मुझे यही लग रहा था कि आगे कुछ आ जाएगा फिर पंगे हो जाएंगे। ओ आ गया आपका कस्टम्स। नेक्स्ट शॉट आउट गोज टू AY, नाइस ट्रक ब्रो, लव वॉल्वो ट्रक्स। यस ब्रो, कहीं से जाएं राइट से जाएं। हाँ जी सर खोल दीजिए भाई, हम कुछ नहीं लेके जाते गलत। ओ भाई फ्यूल भराना भूल गया मैं, 267 लीटर्स रह गया। ओ नो, यहीं से जाएंगे हम। सर खोल दीजिए सर,
अरे सर आप तो हाथ में हाथ रख के खड़े हैं, 40 टन है, यू मे प्रोसीड। मैं कभी ये सोच रहा हूँ कि क्या गेम में कभी ऐसा होगा कि नहीं भाई तुम्हारे ट्रक का तो वेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ से ले जाओ। क्या मतलब पॉइंट क्या है, जो वेट चेक करवा रहे हैं उसका कोई मतलब है भी या मजाक चल रहा है? और फ्यूल स्टेशन, आज पहली बार हम मल्टी चैनल की जगह पर फ्यूल भराएंगे। अंदर देखो कैसे चमक रहा है वो। ओए अरे स्टीयरिंग किसका, कौन सी कंपनी का भाई, ये तेरा नकली सा लगा रखा है भाई इसने तो, हमने लगा रखा है। ओ भाई साहब ओके, तो अब हम फ्यूल भरा रहे हैं पहली बार एट फिल गैस। 1.02 का अरे भाई सस्ता है, इतना दूर क्यों चले गए हम? फुल कराएंगे, देखते हैं कितना जुरो लगता है, मे बी 500। लेट्स सी। ओ भाई साहब बहुत फ्यूल पीता है यार हमारा ट्रक तो। 756 यूरोस का डीजल आया है 740 लीटर्स। चलिए फिर हुजूर, यहाँ से लेफ्ट कैसे लेंगे, इतना वाइड। अरे भाई साहब आगे से ही चलते हैं, काफ़ी वाइड टर्न लेना पड़ गया। ओ पर थूक गया, बच गए। वो सामने कूल लगता है मुझे, मस्त आवाज़ आती है धड़ 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 करके। हाँ जी खोलिए सर, शुक्रिया शुक्रिया। यहाँ पे देखना आवाज़ आती है क्या, थोड़ी सी आई यार। अच्छा एक्सरे इंस्पेक्शन था जो पास हो चुका है, अब आगे फिर से बुल्गारिया का जो हमारा बॉर्डर आएगा, क्योंकि इसके बाद रोमानिया का भी आएगा, वहाँ भीड़ है। यहाँ से चलते हैं, कस्टम्स आ गए हम। पासपोर्ट कंट्रोल, आवाज़ देखो कैसे गूंज रही है, अंदर गूंज रही है, बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट शाउट आउट गोज टू गुलाब अमन भट्टी। अरे भाई GTA 5 का फिर से कमेंट आ गया भाई, मैं रिपीटेड कमेंट्स नहीं पढ़ सकता भाई, अगर आप सेम लिखोगे तो मैं क्या करूँ आपका। शाउट आउट टू मनीषा सावंत, इज देर वॉल्वो बस मॉड इन दिस वर्जन इन विच यू आर प्लेइंग? ऑब्वियसली यार, बाकी वीडियोज़ देखो मेरी, प्लीज़ डू वॉच माई अदर वीडियोज़, यू विल गेट टू नो मोर। वाई इज़ दिस गाय सो स्लो? चलो भाई स्कैनिया वाला ही है, लेकिन देखो काफ़ी स्लो चल रहा है वो, एक्चुअली स्पीड के हिसाब से चल रहा है, हम तो जैसे हमारा मर्जी होती है हम चला लेते हैं। ये राइट में क्या है, डरावना लग रहा है कुछ, मे बी टूमस्टोन लग रहा है या फिर कोई हिस्टोरिकल जगह होगी, गॉड नोज मैन। शाउट आउट टू गुरु यादव, भाई पुनो पेरू मैप फुल एक्सप्लोर किया है, और कोई मैप बताओ सेम उसके जैसा। देखो भाई आप जहाँ से भी मॉड डाउनलोड करते हो या मेरे लिंक से करते हो डाउनलोड, तो वहाँ पर उसी वेबसाइट पर आपको बहुत सारे मॉड्स और मिल जाएंगे, यू कैन टेस्ट एनीथिंग यू वांट मैन, सो डोंट वरी जस्ट ट्राई, बहुत सारे मैप्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे हैं, बहुत सारे मॉड्स हैं। नेक्स्ट शाउट आउट गोज टू मिदुल सरदार, क्या बोले भाई, एक सेकंड में अभी आपको आपका कमेंट पढ़ता हूँ। अरे ये गाड़ी काहे को रुकी हुई है, ओ भाई ये तो फंसी हुई है। तो मिदुल सरदार का ये कमेंट है, मैं बहुत जल्द लैपटॉप लेने वाला हूँ, फिर ETS 2 परचेस करूँगा, फिर साथ में खेलते हैं। ज़रूर ब्रो खेलेंगे, बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ खेलूँगा। आई एम नॉट इवन श्योर कि अभी ट्रकर्स MP आया है कि नहीं लेटेस्ट वर्जन के लिए, लेकिन हम खेलेंगे, डोंट वरी। ये चैनल अभी आगे बढ़ते रहे, फिर हम मस्त VTC CTC वाला काम भी करेंगे, तो थोड़ा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए एंड ताकि हम सब लोग साथ खेल सकें, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर कोई मुझे कहेगा कि हम इतने बजाएंगे हम उतने बजाएंगे, ऐसे करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट हो जाएगा। शाउट आउट टू गणेश बेलसुरे, ब्रो गेम अपडेट कैसे करते हैं? स्टीम पर जाओ,
लाइब्रेरी को क्लिक करो, वहाँ पे लिखा होगा अपडेट रिक्वायर्ड, उसे अपडेट करो। अगर आपके पास पायरेटेड वर्जन है यानी कि डाउनलोडेड वर्जन है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। प्लीज़ बाय द गेम, 250 रुपये में मिल जाती है सेल पर, स्टीम सेल पर, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा एंड इट इज़ वर्थ इट यार। इतना अच्छा गेम है, 250 रुपये में अगर आपको मिल रहा है तो क्या चाहिए भाई, बच्चे की जान लोगे क्या? विंडोज खोलें, हाँ सांस आ गई, बंद करो, ठंड लग रही है। जगह तो अच्छी है, यहाँ पर मैं वो कैमरा स्विच करने की सोच रहा था लेकिन टर्न आ गया। जाओ भाई पुलिस भाई, वरना तुम चालान काट दोगे फ्री में। शाउट आउट नेक्स्ट, अब आया भाई ध्रुव सोनी। सुन भाई, स्पैम कमेंट से व्यूज रीच कम हो जाती है, सो जस्ट फाइंड सोल्यूशन। भाई सोल्यूशन नहीं है ना, रिपोर्ट करके स्पैम क्लिक करो अगर तुम्हें मिल रहा है कोई कमेंट। भाइयों अगर कमेंट सेक्शन में, कितने बार बोल चुका, अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको फेक कमेंट मिल रहा है जो ओ भाई साहब भर रखा है, तो रिपोर्ट करो ना उसे स्पैम। मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी करो, ताकि वो चैनल, वो कभी भी फेक कमेंट्स हमारे चैनल पर ना आए। खैर वो सारे चैनल्स पर प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे चैनल पर प्रॉब्लम है। मेरे चैनल पर तो भाई 1400 सब्सक्राइबर्स हैं, कोई 14 लाख या 14 करोड़ तो है नहीं कि स्पैम आ गया तो वो फ़र्क पड़ गया, तो इट्स ओके, हो जाता है। शाउट आउट टू यश चौधरी, सौम्या भारत कर, ब्रो हाउ टू जूम कैबिन मैप, यू जस्ट डन इन 0.27 सेकेंड इन द वीडियो। कैबिन मैप क्या होता है भाई? अच्छा ये डिलीट वाला, ये आप अपने कंट्रोल सेटिंग्स में जाके सेट कर सकते हो। डैशबोर्ड कुछ नाम होगा इसका, डैशबोर्ड आई थिंक GPS का नाम होगा कंट्रोल्स में, और इसको डिलीट दबाकर मैंने इसे सेट किया हुआ है। आप अपना बटन अपने मर्जी से चूज़ कर सकते हो, आप किस बटन से चाहते हो। भाई अर्जेंट डिलीवरी है ना, तो हम ऐसे चला रहे हैं जैसे मतलब अर्जेंट ही जल्दी से जल्दी पहुँचे। शाउट आउट टू फ्रीकिन विशाल, भाई 1.38 वर्जन का वीडियो प्लीज़ बनाओ ना। अरे ये सारे 1.38 तो है भाई, 1.38 वर्जन कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें, प्लीज़ एक वीडियो बनाओ। भाई गेम को डाउनलोड करो, गेम को ख़रीदो, डाउनलोड करो मतलब गेम को ख़रीदो स्टीम से, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, मस्त आराम से सारे के सारे डाउनलोड एक बटन की मदद से हो जाते हैं। जस्ट परचेज द गेम एंड लाइफ सेट अ बॉस। कितनी ट्रिप और रहेगी? 250 किलोमीटर और रहेगी, वो दैट इज़ फन। इमेजिन करो हम लाइव स्ट्रीम पर ऐसे खेल रहे होंगे, आप लोगों के मस्त मस्त कमेंट्स आ रहे होंगे, मैं आप लोगों को शाउट आउट दे रहा हूँ और एक्सीडेंट नहीं हो रहे होंगे होपफुली। ओ भाई साहब ये ट्रेलर कितना एग्रेसिव था, पीछे वाला बिल्कुल आके चिपक गया, बैड बॉय। मौसम बहुत अच्छा है गेम में, ग्रीन बहुत ग्रीन लग रहा है, ब्लू बहुत ब्लू लग रहा है, हम इतने क्रिएटिव हैं भाई। शाउट आउट टू राज गेमिंग इंडिया, मैनुअल ट्रांसमिशन का भी अपना मौज होता है, आई लव मैनुअल ट्रांसमिशन। अच्छा तो है, हमारी अंगुलियां दर्द होनी शुरू हो जाएंगी जब हर थोड़े टाइम पर आपको क्लच दबाकर गियर चेंज करना है, क्योंकि उसमें भी मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आपको ऑप्शंस मिलता है कि आपको क्लच वगैरह कैसे सेट करना है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, फ्यूचर में करेंगे सर ट्राई। फिर से एक कॉमेंट आया है गणेश बेलसुरे, ब्रो गेम अपडेट कैसे करते हैं? भाई 2-3 बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में ही, तो प्लीज़ वीडियो देखो। एक तो मैं सोच रहा हूँ एक ना वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि ये गेम ना तो एंड्रॉयड पे है, और अगर इसको अपडेट करना है तो इसको भाई स्टीम से ख़रीद लो। ये 2-3 चीज़ें ना चिपका दूँगा उस वीडियो में, फिर आपको मतलब जो लोग नए देख रहे हैं ना वीडियो उनको आइडिया नहीं होता। कई लोग जैसे अभी भी पूछते हैं कि एंड्रॉयड में है कि नहीं, तो मैं तो लिख देता हूँ सीधा ना, ना भाई ना, है ही नहीं, बनाया ही नहीं है ऐसा गेम, तो बिल्कुल भी नहीं। इसके जैसे मिल जाएंगे आपको 100-200, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा भाई। जो मज़ा इसमें है ना, और जो पेड गेम में है ना, वो मज़ा किसी में नहीं है। वो फ्री वाला पायरेटेड वाले में कोई फ़ायदा नहीं है, एक टाइम के बाद वो स्लो हो सकता है या फिर उसमें कुछ नया नहीं आएगा, अब बोर हो जाओगे। मॉड्स जो होते हैं चलने शायद बंद हो जाएं अगर उनकी एक्सपायरी लिस्टेड है तो। अरे वाह यार, अभी भी हम शायद बुल्गारिया में हैं या हाँ रोमानिया का तो अभी आएगा यार, या कस्टम्स वगैरह आएगा। वही सामने खाली ट्रेलर लेके जा रहा है, मे बी गाड़ियाँ भरेगा, ये गाड़ियाँ
फॉर सम रीजन बीच वाली लेन बिल्कुल खाली पड़ी है भाई, बीच में भी चला लो यार, ऐसे मत करो, शर्मा गए सारे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो सही लग रही है और जो मैंने स्केड्यूल बनाया इट इज़ फाइन फॉर यू, बिकॉज मैं भी फ्लेक्सिबल रहना चाहता हूँ ताकि हर सही टाइम पर आपको वीडियोज़ दे दूँ और यू नो सही टाइम पर मतलब बैलेंस रहे कि भाई वीडियोज़ भी दिया और कमेंट्स जो है ना उसमें भी टाइम मिल जाएगा। तो जब आपको कोई नई वीडियो डलती है ना, अगर आपने उस दिन या अगले दिन तक उस पर कमेंट कर दिया तो आपको नेक्स्ट टाइम जब उसकी वीडियो मिलेगी ना उसमें शाउट आउट तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो जैसे ETS 2 में लेट हो गए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अरे यार सेंटर वाली लेन में चला रहा हूँ मैं, बहुत डर लग रहा है, बच गए लाइक जस्ट बाय अ फ्यू सेकंड्स आई थिंक हम बच गए। ऐसे भी वो लेफ्ट लेन में था और मैं मिडिल लेन में था, बट मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आया कि वो बिल्कुल टर्न ले लेगा, बिकॉज यू नो ETS 2 में ट्रैफिक जो है कभी भी कुछ भी हो जाता है दुनिया में। और ये रशियन जैसा लिखा हुआ कुछ जो कि मुझे नहीं समझ में आया ऑब्वियसली। ओ भाई साहब वरना, अच्छा वरना वाला जगह भी आ रहा है यहाँ, वरना याद है आपको बॉर्डर आने वाला है कोई, ये जगह हम आ चुके हैं, ये ब्रिज भी देखा हुआ है। हाँ हाँ आई थिंक ये वरना का ही है। ओ काफ़ी सारे रेनॉल्ट रेंज टी के ट्रक्स हैं, ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ETS 2 की वीडियो में हम लोग रेनॉल्ट रेंज टी ही चलाएंगे। बता देना भाई आप लोग कि आप नेक्स्ट ETS 2 की वीडियो में क्या चाहते हैं, कौन सा ट्रक चाहते हैं जिस पे मैं ट्रिप करूँ। ओहो हो वो बेसिकली वो रोड पे नहीं चलाते शायद, सिर्फ इस पे चलाते हैं। सब ग्रफिटी करी हुई थी पीछे, नाइस। आवाज सुन रहे हो? लवली। यहाँ ओवरटेक करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये सामने वाली वो किसकी, टाटा की टियागो किसकी है, वैसी गाड़ी लग रही थी वो। भाई बूस्ट क्यों हो गए ये? ये भी कोई जगह है राइट में। सुपर्ब यार। अब जितने ज़्यादा कमेंट होंगे अलग अलग टॉपिक पर उतना मेरे पास आप लोगों से बात करने का भी हो जाएगा, राइट? दैट इज़ ऑल्सो गुड, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो बढ़िया। लाइक करें तो कमेंट करें, कमेंट करें तो लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मस्त मस्त वीडियोस मिलती रहेंगी। गेम का जो स्केड्यूल है वो पिंड कमेंट में मिल जाएगा कि कौन से दिन कौन सी वीडियो डलेगी। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक गेम पसंद है तो आपको पता होना चाहिए कि वो उस दिन उसकी वीडियो ज़रूर आएगी। जो एक्स्ट्रा गेम्स हैं जो हम टेस्ट करने वाले हैं वो फ्यूचर में होगी, अभी नहीं। सो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस थांबा, एंड टेस्टिंग वेस्टिंग सब मस्त मस्त सब टाइम, वो टाइम आएगा बहुत जल्द। आई कैन नॉट वेट मैन, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं अपग्रेड कैसा वाला करने वाला हूँ, मतलब भाई आप लोगों को भी बहुत एक्साइटमेंट होगा, बता नहीं सकता अभी, जब आएगा तब बताऊँगा। मतलब हाँ ट्रक की वीडियोस में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, बट जो गेम्स आप लोग कमेंट करके बोलते रहते हैं कि भाई ये खेलो वो खेलो, तो जो जो मेरे पास लाइब्रेरी में है वो तो मैं खेलूँगा ही, और वो भी अल्ट्रा पे मज़ा आ जाएगा। आई थिंक हमारे ट्रक की स्पीड हद से ज़्यादा तेज़ है, मर्ज मत कर देना यार लेन प्लीज़, मैं बहुत अच्छे स्पीड से आ रहा हूँ पीछे से, बहुत बढ़िया बहुत स्मूथ चल रहा है। पलटना नहीं भाई, पलटना नहीं। अरे वाओ वो, ओ भाई कैमरा ही घुस गया। वो लोग ही लोग है भाई, लोग ही लोग, आई मीन रोड ही रोड। मस्टैंग ने ब्रेक मारी तो उसको देख देख के मैंने भी ब्रेक मार दी, यू नो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। रूस डिस्कवर हो गया है, रूस, रूस नहीं भाई, रूस तो रशिया है। 100 किलोमीटर की और ट्रिप रह चुकी है, अब हम बूस्ट पे चलाएंगे।
ऐसे बूस्ट पे चला नहीं सकते हम। अरे एक मिनट, कौन सी गेम थी जिसमें फ्यूल सॉरी हॉर्न की आवाज़ नहीं आती थी? यही थी क्या? डैम मैं भूल गया। अच्छा स्पेसिफिक ट्रक्स पे, वो अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर में भी है वो इशू और यूरो ट्रक में भी है। ये एक बग है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, सो वी आर नॉट इवन श्योर कि कब ये रिपेयर होगा, बट वी हैव टू कोप विद इट। नॉट बैड। ये सिंगल लेना है डबल लेना है? अरे भाई साहब कस्टम चेक। ये अच्छा किया इन्होंने, खूब सारी लेन बना दी। चेकिंग योर डॉक्यूमेंट्स भाई, जल्दी करो भाई। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, हैव अ नाइस जर्नी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। सीधा लेना है यहाँ से। ब्रिज कंट्रोल है इसका नाम। यहाँ पर पीसा देना है $10 और यूरोस। ठीक है दे दिया भाई। घुस खाते हो हमसे। ओए होए कहाँ जाना, राइट लेना है? वाओ मस्त लग रहा है वो। अच्छा ये यहाँ पर है एरिया। नाइनटीन फिफ्टी टू 1954। ओ ये तो चिपक चिपक के क्यों चल रहे हैं? इनको क्या हो गया? पुलिस वाले को आई थिंक चेस कर रहे हैं। रोमेनिया भाई ट्रैफिक कितना है रोमेनिया में, और ये थोड़ा इधर को क्यों चला रहे हैं? अच्छा कंस्ट्रक्शन चालू है रे बॉस। ब्यूटीफुल मैन दिस इज़ ब्यूटीफुल। रोमेनिया का एंट्रेंस तो काफ़ी अच्छा हुआ है। पहली बार तो नहीं आया हूँ मैं, लेकिन ये जगह, हाँ इस जगह पहली बार आया हूँ। कैन वी टेक अ राइट या फिर इधर से जाना पड़ेगा? लेट्स सी। सब लोग एक ही जगह से जा रहे हैं इसलिए मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये रेड लाइट बन रखी है, मुझे गड़बड़ लग रही है। वो खुल गया। एक्सरे इंस्पेक्शन था ये। दिस इज नाइस। अरे भाई ये कौन से गेट पे आ गए हम? गलत गेट पे आ गए भाई। इधर जाना है क्या? हाँ अच्छा वो गाड़ियों के लिए बॉर्डर। हमका जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं करा है, हम बहुत अच्छा बच्चा है। थैंक यू। एंड यहाँ पर ये भी अच्छे तरीके से हम निकल गए। ये लेफ्ट में गाड़ी क्यों रुक गई? अच्छा ट्रैफिक है इसलिए। अरे भाई फिर से इंस्पेक्शन है, मतलब इतनी सी इतनी जगह में भी इंस्पेक्शन करवा रहे हैं कि मतलब इतना डाउट है हमें, मतलब ऐसे करता है कोई? ले भाई। हाँ जी सर। अच्छा स्ट्रेच कर रहे हैं, समोसा खाएंगे? नहीं खाएंगे। ओके बाय बाय। लपेट लो यहाँ से, लपेट लो, गड्डी आ रही है, भगा लो भगा लो। अब हमने, हाँ ठीक है गोल चक्कर से राइट, बुड़ुम बुड़ुम करेगा अभी। मार ले ब्रेक मार ले तू, क्योंकि तुझे पता है कि मेरे को भी ब्रेक मारनी पड़ेगी। कहाँ गया? अच्छा आई तो डिसअपियर हो गया। व्हाट हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? गिरगुई आई एम। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा कैमरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, इधर उधर हो जाता है मेरा कैमरा। मैन यू गाइस आर वेरी स्लो।
अरे बीच में काय को रख गया हमारा ट्रक। ये क्या है, कस्टम है ये भी, पता नहीं क्या है लेकिन अच्छा लग रहा है। फ्यूलिंग स्टेशन यहाँ भी मल्टीपल बन रखा है, कितनी सारे लेन्स हैं, मल्टीप्लेयर पे काम आएगा ये, जब सबने फ्यूलिंग करानी होती है एंड यू नो घोड़ा घड़ी की तरह चला रहे होते हैं लोग। हाँ दिस इज सो काम, मतलब मुझे देखने में तो पता है ग्राफिक्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, अपलोड करने के बाद प्लीज़ इशू ना हो जाए। ओके स्पीड बढ़ गई हमारी अचानक से, वो एक गाड़ी ने कैसे टर्न लिया, उसको पता था भाई सामने वाला येड़ा है फोड़ देगा हमें, राइट टर्न लेना है, आगे रिस्ट्रिक्टेड एरिया हमारे लिए। हाँ ठीक है भाई, पहुंच गया मैं, कस्टमर एक्सपेक्ट्स डिलीवरी वेरी सून, मैं क्यों लेट हो जाऊंगा भाई। एंड वी आर ऑलमोस्ट हियर, 40 किलोमीटर, ओ है टाइम है टाइम है, मैप के हिसाब से लग नहीं रहा था कि इतना दूर होगा। ओ हाँ बुकारेस्ट में ही तो हमने एग्जिट मारनी है, सो सीधी सीधी रोड है, देखते हैं कि बिना ब्रेक मारे हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। ये पी क्या है भाई, पी फॉर पिज्ज़ा, पेट्रोल पंप है लगता है, ट्रक की आवाज़ कैसी आ रही है ना, मेरे को तो आ रही है जैसे कुछ अंदर पक्का घूम रहा है फुल स्पीड में। नाइस। अरे 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 सर कहाँ जाना है, पलट जाते हैं हम अभी बीच में। कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है कोई, ओके डेवलपमेंट हो रहा है इस एरिया में, अपडेट्स के साथ ये लोग वो भी क्या कहते हैं रिपेयर कर देते हैं और हमें साफ सुथरा देखने को मिल जाता है कि हाँ ये हुआ था, ये रास्ता बंद था या खुल गया है, तो दिस इज़ नाइस। ये इतना चमक क्यों रहा है, बहुत चमक रहा था ये ब्रिज, जैसे कि डायमंड्स लगे हों उसमें, मे बी हमारे ट्रक की लाइट्स हैं। या हमारे ट्रक की लाइट्स थी, ओए राइट लेना है, ब्रेक देखो, काफी लंबी जर्नी होगी हमारी, पार्क वहीं पीछे करना है। अच्छा जैसे वहां पिक कर रहा था ना, सिमिलर पार्किंग यहीं पे ही है, बट कैसे किस तरफ को है, ठीक है सही है। हाँ चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे, पीछे वाले व्हील देखो एडजस्ट हो जाते हैं, स्मूथ है इससे ना मैन्यूवरिंग, आई थिंक इजी होती है थोड़ी। और बहुत बढ़िया वधिया वधिया, यहाँ पर ये ट्रिप हमने ख़त्म कर दी। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू क्लिक द लाइक बटन, कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।